से खा रही है जमीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर इंडियन व्लॉगर गौरव पर। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग का। तो आज संडे है, तो देखिए कैसे किलकिर मार रही है, ये एप्पल खा रही है, ये वैसे भी देख रही है, मैं भी एप्पल खा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए आइए। तो आज संडे का दिन है, आज लेट सोकर उठा, 7 बजे सोकर उठा मैं। देखे इसको कैसे देख रही हूँ मुझको। हेलो बोलो रूही, रूही हेलो बोलो, हेलो जल्दी बोल दे, एप्पल खा लो, एप्पल बोल दे, एप्पल खा लो, बोलो जल्दी। अभी इसको हल्का सा आ रहा था थोड़ी देर पहले, और अभी ये फोन देखते ही आ गई गोदी में, एप्पल देख रहा है, इसके एप्पल नीचे पड़ा है। जल्दी बोलो एप्पल खा लो, एप्पल खिला दे इनको, एप्पल खिला दे, एप्पल एप्पल खिला दे, एप्पल है, खिलाओ एप्पल, रूही सोना बाबू एप्पल खिलाओ सबको, हाँ यही खिला दे, एप्पल खिला दो। तो देखते हैं आज घर में क्या बन रहा है। अभी सुबह नाश्ते में आइए। ओ वाह, जमी बन गए, जमी ये देखिए, ये नमक वाले जमी बन गए हैं। दूध के मुझे इतने पसंद नहीं है, तो अभी जमी बन रहे हैं। मम्मी पूजा कर रही है, अभी देखिए मम्मी पूजा कर रही है। तो मैं अभी नहाया नहीं हूँ, अभी 7 बजे सोकर उठा था, तो मम्मी चल रहा है घर पर। देखिए इसको पानी निकल गया है, पोछा लगाएगी, पोछा लगाएगी क्या, गंदा पानी निकलता है, कितनी दंगा तारती है ना, तो पूछो मत कितनी दंगा तारती है, वक्त लगी रहती है। आपको ऊपर दिखाता हूँ, डेकोरेशन हुई है, ये देखिए पर पूरे पर ऐसे थोड़े छोटे छोटे ये गमले बनाकर जो आपको डब्बे दिखाए थे लगा दिए हैं ऊपर तक, और इनमें पौध लगा दिए हमने। इधर आपको दिखाया था कांच का, नदी लाइट जल रही, लाइट जलने के बाद और अच्छा दिखेगा ये। आ जा रूही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आयो देखिए, फिर मैं पोछा लगाया है और ऐसे ही जा रही है। मम्मी के पास मम्मी पूजा कर रही है ना, इसलिए ये फिसल रही है बार बार, इसके पैर थोड़े गीले हो गए ना, इसलिए फिसल रही है बार बार। रूही क्या कर रही, क्या कर रही है रूही, ये ऊपर जा रही है अब्बा के पास, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। रूही कहाँ जा रही, रूही रूही कहाँ जा रहे, उधर जा रही है, आ लिया पकड़ूंगा तेरे को, आ लिया मैं, आ लिया मैं, आ लिया, पकड़ो 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 इसे ऊपर जाने से रोका तो रोने लगी अभी, ये हद कर दे बिल्कुल ही। देखिए मम्मी अभी जमे भून रही है, जो हमने मैदे के मम्मी ने तोड़े है जमे, तो नाश्ते में यही बनेगा आज। इतना मम्मी जो बनाते हैं इतना आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने लाइट जो आपको दिखाई थी कि मैंने लाइट मंगाई है, और ये मैंने चारों तरफ इधर यहाँ पर लगा दिया है,
अभी इनका पलफ रह रहा है कि आज मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम क्या मार्केट नहीं खुली, आज संडे है इसलिए यहाँ की मार्केट नहीं खुलती। और यहाँ पर हमने लगा दिया है और सामने यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और अब बस इनमें बल्फ की कमी है, बल्फ लगते ही तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये अंदर हमने इसके अच्छी भी बाउंड्री दी, अंदर हमने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया है हमने यहाँ पर अंदर, और हमने लाइट लगा दी। अभी बस सिर्फ ओनली बल्फ की कमी है, बल्फ लाते ही बहुत ही अच्छा लगेगा सही में। ये मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट से दोनों से मंगाई थी, क्योंकि इनका सिर्फ तीन का सेट आता है, दो का आता है, एक का आता है। मैंने तीन का सेट दो बार मंगाया तो लगा दे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ मम्मी जो बना रही है आपको उसकी रेसिपी। ये मम्मी ने इसमें तेल डाल दिया है और अभी ये मसाले जी सब डब्बी उठा कर रखे हैं मम्मी। अब इसमें पहले मम्मी जीरा डालेगी और अब जब ये डाल दिया अभी डाला था वो सब मिक्स हो जाएगा। और अब गरम मसाला डाल दिया मम्मी, हल्दी डालेगी मम्मी, अब हल्दी डाल दी। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी जमे बनाती है। और मम्मी के लिए यहाँ पर पंखा लगाया है कि गर्मी ना लगे। अगर ऊपर यहाँ पर लगाते तो फिर गैस जलने में प्रॉब्लम होती, इसलिए एक छोटा एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर पंखा लगा दिया। और मम्मी ने इसमें नमक डाल दिया है, ये देखिए मम्मी पानी डाल दिया इसमें। आप सोच रहे होंगे कि हमने तेल में पहले ऐसे क्यों भुने, क्योंकि ये खिले हुए बनते हैं अच्छे, बहुत ही अच्छे अलग अलग हो जाते हैं, एक जमा अलग अलग हो जाएगा एक दाना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। फिर मुझे ऐसे ही पसंद है खिले हुए थोड़े से। जो मसाला पीसते हैं हम सिलबट्टे से पीसते हैं, क्योंकि इसमें सब्जी में या किसी भी चीज़ में हम जो भी बनाते हैं उसमें टेस्ट बहुत ही अलग आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। कभी आप शायद आप करते भी है नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं। अगर आप सिलबट्टे से आप मसाला पीसते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और मम्मी ने इसमें मसाला डाल करके ढक दिया है और अब थोड़ी देर बाद 10 मिनट में ये बन जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट लगती है, जैसे मैगी बनती है ना बिल्कुल सेम इसी तरह ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा आपके। तो मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, आज संडे है, मैं आज के दिन लेट नहाता हूँ, 11-12 बजे के करीब नहाता हूँ मैं। तो अब ये बन जाएंगे तो नाश्ता करूँगा मैं अब। फिर मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दाना अलग बनाते हैं, बिल्कुल खिमा बनाएगी और मुझे ऐसे ही पसंद है। आपको दिखाता हूँ अब बन जाएगी, सिर्फ 10 मिनट लगेगी, 10 मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। तो वेट कीजिए आप भी जैसे मैं कर रहा हूँ वेट। देखिए जब ये हमारे बन चुके हैं, देखिए कितने अच्छे बन गए, अब बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब खाने के बाद देखते हैं कैसे लगेंगे, एकदम टेस्टी बने होंगे। तो अभी खाकर देखते हैं कैसे बने हैं, तो खाते हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। तो आखिरकार जमे आ चुके हैं, ये देखिए। तो अब मैं खाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे बने हैं, आप खाइए। यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, मज़ा आ गया, मज़ा एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चलो मैं खा लेता हूँ, खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। वेट कीजिए आपने, आप भी बात कर, आप नाश्ता ही लीजिए, आप क्या कर रहे हैं नाश्ता कीजिए बात कर। तो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद आपसे, ओके। अब जाए खाएगी, खा लो आप, अभी साथ खाएगी, अभी एक मैगी है, मैगी खा रही है रूही चीजी खा रही है। कैसे लगे रूही के पापा,
काम करते हैं। अभी मेरे घर में भी काम चल रहा है, तो पुरुष ढूंढ रहा है कलर करने के लिए अभी। और रूही को देखिए अभी आवाज़ लगा रही है। क्या कह रही रूही, क्या कह रही है? खा ले जाए, खा ले। आहा, छोनी छोनी चीजी खा रही है, कैसे लगे चीजी। और एक किट्टू आ गया है, किट्टू चल कर आ रहा है वॉक करते हुए। किट्टू गुड मॉर्निंग। देखिए दोनों बहन भाई बैठ गए, ये पूरी खुश हो गई है। भैया को चीजी खिला दे, जमे खिला दे भैया को, जमे जमे खिला दे भैया को, खिला दे। किट्टू के जमे आ गए, मम्मी किट्टू के जमे लेकर आई। जा भैया के पास खाना खा लो, जाओ भैया के पास खा लो। किट्टू टेस्टी नहीं लग रहे, टेस्टी बन रहे ना? हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहे। ओहो रुई भैया के हाथ से खा रही है जमे। ओके तो ये सब चलता रहेगा। ये देखिए अभी इनको नाश्ता करने देते हैं। फाइनली मैंने भी नाश्ता कर लिया है, मुझे भी बहुत ही भूख लगी थी। तो ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, दोनों बहन भाई आपस में कैसे खाना खिला रहे थे एक दूसरे को। तो अभी छोटी है वो तो खिला नहीं रही, पर कितना तो खिला रहा है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके बाद बेल आइकन ऑन कर देना, अगली व्लॉग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जाकर मेरी वीडियो देख लेना, कंजूसी बिल्कुल मत करना, वीडियो देखना। और आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।